अभी हम अपना सेशन शुरू करेंगे. द फर्स्ट सेशन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर चीफ गेस्ट. शी इज़ डॉक्टर शबिस्ता गफर, द चेयरपर्सन कमिटी ऑन गर्ल्स एजुकेशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली. योर इनपुट्स विल बी वेरी वेरी वैल्यूएबल कंपोनेंट ऑफ आवर स्टडी. अभी हम चाहते हैं कि ये 12th प्लान के तहत जो स्पेशल एम्फोसिस ऑन एजुकेशन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड स्पेशली फॉर माइनॉरिटीज़, उस के अंदर आप कुछ हमें बता सकते हैं कि क्या स्कीम्स एजुकेशन के लिए लॉन्च हो रहा है या हो सकता है. वी हैव एमिनेंट एजुकेशनिस्ट लाइक डॉक्टर फारूक वारिस. मैडम, वी वुड लाइक योर इनपुट्स आफ्टर डॉक्टर गफर हैज स्पोकन. एंड ऑल्सो वी हैव रानू जैन हियर एंड नसरीन फसल बॉय. सो प्लीज़ प्लीज़ फील फ्री टू गिव अस योर इनपुट्स ऑन दिस सेक्शन. आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन टू एन जी ओज एंड मीडिया. सो प्लीज़ लेट्स हैव अ वेरी फोकस्ड डिस्कशन एंड लेट्स फोकस ऑन रिकमेंडेशंस rather than problems and issues. That will be of great help. I would also like to tell you that the principal secretary Ms. Theke Kara has sent her best wishes for the event, and she would like us to present some of our findings and recommendations to her. So the state government is also involved in knowing what you want to convey to her. So thank you very much. Now over to Dr. Gaffer. Assalamu alaikum. Good morning, all of you. Pehle main shukriya ada karna chah rahi hu Observe Research Foundation ka, jinhone hame invite kiya aur aapke beech hazir hone ka mauka diya. Secondly, I am very, very thankful to Mrs. Uzman Nahid, जिन्होंने आपको recommend किया और मुझे इस gathering में आपके साथ कुछ discussion, कुछ आपके ख्यालात, कुछ हमारे experience, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है girls education या women empowerment का जो हमें सबों को मिल के करना चाहिए. तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ. दूसरी बात ये है कि मैंने आप लोगों से जब मैं उन्होंने इनवाइट किया तो मैंने कहा कि क्या थीम है, किसके लिए हमें बुलाया जा रहा है. तो इन लोगों ने हमें एक पेपर भेजा जिसमें भारतीय महिला आंदोलन और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने मिल के कुछ जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ फाइंडिंग्स बहुत ही बेसलाइन पे किया हुआ है. पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूँ कि जो हमारा मैंडेट है, जिस आप लोग सब वाकिफ होंगे, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ हेडेड बाय जस्टिस एमएसए सिद्दीकी साहब, एवरीबॉडी माइट बी नोइंग हिम. तो जो हमारे एक कमीशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो पार्लियामेंट से एक्ट पास किया गया है, उसमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल जो भी इश्यूज है एनओसी के एफिलिएशन के, तो वो 2004 में जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम किया गया, और जब जस्टिस सिद्दीकी साहब इस कमीशन में आए और उनको एक मौका मिल गया कि वो हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे जगहों पे गए जहाँ पे लोग तालीमी इदारे और जो माइनॉरिटी, खासकर जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है मुस्लिम्स की, उनसे मिलने का मौका मिला. हाल ही में सचर कमेटी का रिपोर्ट भी इन दिनों आया था, तो उसमें आप लोगों के सामने आज हम 7 साल से सचर कमेटी की रिकमेंडेशंस पे डिस्कशन कर रहे हैं. कुछ चीज़ें आ भी गई हैं अमल में, कुछ चीज़ें, बहुत चीज़ें रह भी गई हैं. तो उन्होंने ये देखा कि अगर हमारी मुसलमानों की, खासकर हम माइनॉरिटीज़ की अगर बात करें, उसमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो मुसलमानों की है, उसमें हम उन्होंने देखा कि अगर ये वाकई पसमानदगी है, सामाजिक तौर पे है या एजुकेशन तौर पे है या इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस है, इसकी रीज़न क्या है. तो उनको ये दिमाग में आया कि जो एक कोर फैक्टर है इसकी, जो एक लड़की है,
इस लड़की को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और इस लड़की को हमें नर्चर करना चाहिए, इस फाउंडेशन को हमें थोड़ा सा मजबूत रखना चाहिए। तो उन्होंने 2007 में एक कमिटी ऑन गर्ल्स एजुकेशन कायम की, जिसमें उन्होंने मतलब वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स रखे गए और बहुत सारा काम किया गया, लेकिन जितना काम होना था उतना भी नहीं हुआ। उसका उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रखा कि हम लोगों इसमें एक अवेयरनेस भी जनरेट करें अमंग द मुस्लिम मासेस, कि हम उनको मोटिवेट करें, उनके पेरेंट्स को, क्योंकि कमीशन जो ऑर्गेनाइज करते हैं विद डिफरेंट एनजीओज, जहां पे जो लोगों के इश्यूज और चैलेंजेस होते हैं माइनॉरिटी एजुकेशनल राइट्स की, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये एक मुद्दा है कि इसमें हम विमेन एजुकेशन को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें चार्ज दिया गया 2009 दिसंबर में एज ए चेयरपर्सन। हमारे साथ 14 मेंबर्स हैं जो कि डिफरेंट स्टेट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट और सेंट्रल जो भी इंडिया है वहाँ से बिल्कुल डिफरेंट हमारे मेंबर्स जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमने एक मीटिंग की कि हम फोकस रहेंगे और इसमें हम विमेन एजुकेशन के कुछ रिकमेंडेशन एंड सजेशंस को एक रिपोर्ट के तरह से गवर्नमेंट को शाया करेंगे, जिस रिपोर्ट के ज़रिए हम ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे और ये जो कोर बैकवर्डनेस है लड़कियों के तालीम के लिए, इसमें हमें जो लोग वाकई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी और स्पेशली गर्ल्स के लिए चला रहे हैं, जो इन्वॉल्व हैं, उनसे हम डिस्कशन करके कॉन्फ्रेंस से, वर्कशॉप से, सेमिनार से, वहाँ पे जो भी बातें आएँ और हम इसको रियल सेंस में गवर्नमेंट को पेश करें और गवर्नमेंट उसको इनकॉर्पोरेट करें प्लानिंग जो भी, जैसे अभी 12th ईयर प्लान आया और हमारे काफ़ी सारे रिकमेंडेशन भारत सरकार तक आएँ और वो इस 5 साल में उन्होंने डाले हैं 12th ईयर प्लान में, जिसमें हमने बहुत सारे हज़ारों में हमने मतलब सेंसिटाइज किए एनजीओज, इंस्टीट्यूशंस, और जिसमें हमने तकरीबन 200 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स विद कोलैबोरेशन विद डिफरेंट एनजीओज के साथ किया। और उसमें सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि हमने 6 रीजनल कॉन्फ्रेंसेस किए। एक कॉन्फ्रेंस हमने पहली वाली यहाँ पे की थी 2010 नवंबर में, जो हमने अंजुमन इस्लाम, आप लोग भी कुछ नॉन फेसेस वहाँ पे आप थे, आप भी थे उस प्रोग्राम में, और जो हमने यहाँ पे हमारी जो महाराष्ट्र की मेंबर है मिसेस इनामदार है, वो काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था और 4 स्टेट्स से जो पार्टिसिपेशन था विमेंस का और गवर्नमेंट का, जो स्टेट गवर्नमेंट है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पॉलिसी जाती है वो स्टेट तक उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो और उनमें से जो भी सिख कम्युनिटी, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स के अलग अलग टेक्निकल सेशन रखें, जिसमें हमारे को एक वेस्ट जोन का हमें रिकमेंडेशंस और सजेशंस मिले, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा और राजस्थान, 4 स्टेट्स को हमने लिया था। इससे पहले हमने जैसे गुजरात में हम गए, गुजरात में हम सब जहां गए, जैसे सूरत गए, बड़ौदा गए, अंकलेश्वर गए, अहमदाबाद गए, तो हमने मतलब ऐसे लोगों के स्कूल्स तक भी मैं गई जहां पे वो लोग चला रहे हैं और उनमें क्या क्या इश्यूज़ है, बड़े छोटे, उन सबों को हमने ले लिया। इसी तरह हमने एक सेंट्रल कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में, सबसे बड़ा कॉलेज है जो आज से 100 साल पहले जिसकी फाउंडेशन हुई थी विमेंस के लिए, जस्टिस करामत हुसैन, करामत गर्ल्स कॉलेज में, वहाँ पे भी हमने 4 स्टेट्स का, उत्तराखंड और बिहार, यूपी और हिमाचल, 4 स्टेट्स का हमने किया था। इसके बाद हमने साउथ का किया, साउथ का हमने जस्टिस बशीर सईद, यानी कि हमने हमारे कोऑर्डिनेटर्स अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स, वी हैव द लॉट ऑफ कोऑर्डिनेटर्स जो हमें ब्लॉक लेवल तक जो हमारा काम करते हैं, विलेज लेवल तक करते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक करते हैं, तो जितने भी मुद्दे हमारे सामने आए वो रियल सेंस में आगे। इसी तरह हमने बहुत दिल्ली में किया और फिर हमने बहुत सारी जगहों पे किया, 6 बड़े रीजनल कॉन्फ्रेंस किए, और हमने जो रिपोर्ट शाया किया है वो एक हमने रीजनल प्रस्पेक्टिव से भी उसको किया और फिर हमने जो लोकल वाइज जो एनजीओ की तरफ से क्या क्या इश्यूज़ हैं उनमें हमने वो सब
ऑर्गेनाइज किए और उसमें रिकमेंडेशंस और सजेशंस हमारे सामने आए। इस साल का जो माइनॉरिटी एजुकेशनल बजट जो आया, इसमें सबसे बड़ी कामयाबी थी कि जो हमने गांव देहातों में देखा कि लड़कियों के एजुकेशन पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मैंडेट है वो प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक है और उसके बाद प्रोफेशनल, तो सब ये कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, ये हमारे कमीशन के अंडर में आता है और इनके साथ हमारे साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। हमने देखा जैसे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ एक बहुत ही पिछला हुआ स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो स्टेट है और ओडिशा से, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पिछलापन है वो छत्तीसगढ़ में है। वहाँ पे जो देखा इस दौरान हमने कि वहाँ पे लड़कियों से पूछा कि आप लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, अगर कि एनरोलमेंट, हमने एक वेस्ट बंगाल में एक सर्वे का एक बनाया जिसमें हमने देखा कि कमीशन के, हमारी वहाँ पे बहुत बड़ी टीम है और कमीशन के माध्यम से 2009-10 में जो एनरोलमेंट हुआ था प्राइमरी एजुकेशन में, दैट वाज 1,04,75,000, जिसमें 49% लड़कियों का एनरोलमेंट हुआ था प्राइमरी एजुकेशन में। लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ा ड्रॉप आउट है और हायर एजुकेशन में हमारे लोग नहीं जा रहे हैं। तो इसमें जो हमने फाइंडिंग किया कि एक्सेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है या इनसिक्योरनेस जो भी है, जो वो चाहे मुस्लिम तबके से नहीं है, किसी और तबके से हैं, वो हर एक गार्जियन पेरेंट्स का कंसर्न रहता है। उसमें ये हम नहीं कहेंगे कि उलमाज नहीं करने देते हैं, मुसलमान ऑर्थोडॉक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बहुत अच्छी एनकरेजिंग बात है, हमारे साथ इतने सारे उलमाज जो हमारे साथ प्रोग्राम में आते हैं, हमें लगा कि वो इस्लाम की बात कह रहे हैं कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, चाहे इस एजुकेशन में है, एम्प्लॉयमेंट में है, तो वो शरीयत की बात लेके हमें उसमें वो कोई रुकावट नहीं आ जाती है। लेकिन हमें जो लगा कि सबसे बड़ी बात जो है, जो एजुकेशन के लिए हर्डल है, दैट इज़ द पॉवर्टी। पॉवर्टी सबसे बड़ी मुश्किल है, जो आज हमने पूरा फाइंडिंग किया, जो पॉवर्टी के हिसाब से लोग आगे एजुकेशन के लिए उनके पास एक्सेस नहीं होता है, क्योंकि बेरोज़गारी है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कि उन्होंने फिर चीफ मिनिस्टर से, हमारे चेयरमैन साहब ने बात की, कुछ एनजीओज आए, कहा कि 15-15 किलोमीटर लड़की कहाँ से चल के आएगी, तो वहाँ पे बस सर्विस भी नहीं है, उनको कुछ फेयर दिया जा सकता है। तो उन्होंने फिर एक पॉलिसी बनाई जिसके लिए साइकिल्स लड़कियों को मिलना, वहाँ पे छत्तीसगढ़ से चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया और हमारे चेयरमैन साहब ने उनको रेकमेंड किया कि आप लड़कियों को एक साइकिल की स्कीम, और वो स्कीम बहुत कामयाब हो गई। इसी तरह मध्य प्रदेश ने भी वो अडॉप्ट किया। अब ये है कि वहाँ हमने जो अपने रिपोर्ट में उसको सजेस्ट किया, और वो 4.5 करोड़ रुपया 2012 और 13 के माइनॉरिटी के बजट में आया है कि टू इंश्योर कि जो रिटेंशन हो जाएगा ड्रॉप आउट का, वो अगर हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं बाइसिकल्स, और उसमें लड़कियों के लिए रिटेंशन हो जाएगा ड्रॉप आउट्स के लिए। दूसरी बात है कि ये एक स्कीम है जो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, और फिर कितने स्टेट्स को कितना मिलता है, और हर स्टेट, जैसे आपका महाराष्ट्र है, जो महाराष्ट्र की प्रॉब्लम ऑफ अनएजुकेशन है या लैक ऑफ जो भी है रुकावटें हैं एजुकेशनल के लिए, दैट इज़ नॉट सेम एज इन गुजरात। हमने देखा गुजरात इज़ नॉट सेम एज इन राजस्थान। अगर गुजरात में लोग मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए, लेकिन राजस्थान में पैसा होके भी वो लोग उनको बिकॉज ऑफ अर्ली मैरिज, तो हमने अलग अलग फाइंडिंग्स जो देख ली, तो उसमें हमारी रेमेडी क्या हो सकती है कमिटी की, जो हमने भारत सरकार को पेश किया कि उस फ्रेमवर्क को हम डिस्टर्ब ना करें, चाहे जिस तरीके से हैं उसको उसी तरीके से रखें, और हम डोर स्टेप तक उनका एजुकेशन उस तक पहुंचाएं। जैसे हरियाणा है, हरियाणा में मेवात एक जगह है, हम गए, 95% वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, और वो लोग इतने जाहिल है, नहीं एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं,
वहाँ पे नहीं पढ़ाना है, तो वहाँ पे एक अवेयरनेस ग्रुप, एक प्रेशर ग्रुप की तरह हमने कायम किया, जहाँ पे उस जो डिप्टी कमिश्नर थे उनसे बात हुई। हम गए थे जनवरी में, जिस दिन मौलाना एजुकेशनल आज़ाद जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके डे पे वहाँ पे फिर एचआरडी मिनिस्टर भी गए थे, मीरा कुमारी जी भी गई थी, और वहाँ पे एक ऐसा अवेयरनेस कि हम दस्तखत तालीम दें, इसमें हर घर घर जाके एक नॉक करते थे कि तालीम के लिए आगे बढ़ो, और उसमें विद इन 40 डेज वहाँ पे 50,000 का एनरोलमेंट हुआ। क्योंकि अलग अलग स्ट्रैटेजी जो गवर्नमेंट भी अपना रही है कि किस तरह, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, उन सेंटिमेंट्स को बिल्कुल हम हर्ट ना करते हुए हम उन चीज़ों को, हमारा मुद्दा है कि एम्पावरमेंट वीमेन थ्रू एजुकेशन, कि एजुकेशन के ज़रिए हम औरत को बाख्तियार बनाएँ और उसको तालीम के लिए आगे बढ़ाएँ। तो इस तरीके से हरियाणा का ऐसा रहा, और अवेयरनेस के लिए भी गवर्नमेंट ने जैसे NOS हमारे साथ, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, जो मास एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया था, मतलब आज से 40 साल पहले, कि अगर हम इतने हमारे पास अनएजुकेटेड है, प्राइमरी लेवल पे हैं या सीनियर सेकेंडरी लेवल पे हैं, तो गवर्नमेंट एकदम इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट पॉसिबल कि हम उसको तैयार करके उसको बना के वो जाएं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एक ऐसा लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग ऑफ द वर्ल्ड है, जहाँ पे हम ओपन स्कूलिंग के ज़रिए उस ड्रॉप आउट को रिटेन कर सकें। तो वहाँ पे हमें स्कूल कायम करने की ज़रूरत नहीं है, उनका जो कैरिकुलम है दैट इज़ एट पार विद द NCERT, CBSE, ICSE, तो उसमें उनको भी क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो उनका मेथड ऑफ एजुकेशन है वो भी बहुत ही अच्छा है, जिस तरीके से वो एग्ज़ाम लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, और फिर पूरा वीडियो ऑडियो, और जो जिस टाइम जाना चाहिए एग्ज़ाम के लिए उसमें सेशन होता है, और कितने किताबें पास, वो भी एक रिलैक्सेशन है अगर कोई काम कर रहा है उस तरीके से, उसको भी मद्देनज़र रख के गवर्नमेंट ने एक माइनॉरिटी सेल को कायम किया, जिसमें उन्होंने एक तो मदरसों के लिए कि अगर क्वालिटी एजुकेशन को हमें मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ना है, मदरसों को जो SPQEM की स्कीम है उसको हम उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर वो लोग रिलीजियस एजुकेशन पढ़ाते हैं उसमें अगर वो मैथ साइंस और इंग्लिश को जोड़ते हैं उसकी सैलरी गवर्नमेंट देता है, वो अलग से भी अप्लाई कर सकते हैं और NOS के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो ले रहे हैं वो भी बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में NOS के ज़रिए जो SPQM का है वो करोड़ों रुपया ले रहे हैं, और उसमें वो मेन स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं, उनकी नौकरियां मिल रही हैं, क्योंकि जो एकेडमिक्स के अलावा जो NOS में है उसमें एक वोकेशनल के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जो 85 कोर्सेज है, जिसमें बिहार में हमने हुनर के तौर पे एक प्रोग्राम चलाया, और जिसमें मदरसा लिटरेटेड लड़कियां जो मदरसों में पढ़ती थी 50,000 पहले पायलट प्रोजेक्ट में वो पास हुई, और उन्होंने वहाँ पे 5 ट्रेड्स को लिया, और अब लाखों में लड़कियां उसमें आ रही हैं, जैसे कंप्यूटर है, ये बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट है। इसके मद्देनज़र जो हमने बिहार में किया था हमने दिल्ली में उसको फिर कायम किया, दिल्ली में पुरानी दिल्ली से हमने 2011 मार्च से हुनर का सेम प्रोजेक्ट किया, और बंगाल से हमारी मतलब बहुत सारी डिमांड आ रहे हैं, और हम चीफ मिनिस्टर से भी मिले एंड शी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसे बंगाल में काफ़ी सारा मदरसे पढ़ते हैं जहाँ पे नॉन माइनॉरिटीज़ भी मदरसा जाते हैं, तो उनको हम जैसे एजुकेशन को लाइवलीहुड से कैसे जोड़ें, उसमें अगर वो एकेडमिक्स के अलावा वोकेशनल्स भी करें स्किल्ड का, तो वो भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम चल रहा है, और उसमें भी जो हमने जो 12th-5th ईयर प्लान में उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन रखा हुआ है, जैसे अगर कोई 10th तक पास है और उसने मदरसे में पढ़ा है तो उसको हम सीनियर सेकेंडरी के लिए वो इक्विलेंसी मानी जाएगी, वो बिहार मदरसा बोर्ड ने वो एक प्रपोजल डाला था, वो भी पास हो गया वहाँ से, और उसमें जो कंडीशंस उनने रखी है वो भी आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद जैसे इंदिरा गांधी ओपन स्कूलिंग है हायर एजुकेशन को, देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ लाइक
स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो बाकी ये कर रहे हैं इसी माध्यम से, जैसे एलिमेंट्री एंड लिटरेसी यूनिट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें सर्वे शिक्षक अभियान का काफ़ी सारा इस साल भी उसमें बहुत एलोकेशन का एनहांस हो गया बजट का। उसमें भी अगर हम माइनॉरिटीज़ के जो पॉकेट जो कॉन्सेंट्रेटेड है वहाँ पे भी हमें जो सिविल सोसाइटी, पहले मैं ये बात बताना चाह रही हूँ, जो सबसे हमने फाइंडिंग किया अपने इस दौरे में ढाई साल के इस पीरियड में, कि जो हमारे बॉम्बे की बात हो सकती है डिफरेंट हो, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म है यहाँ के एनजीओज में, लेकिन बाकी जगहों पे हमने देखा कि दे आर नॉट केपेबल टू मेक द प्रपोजल्स। पहले हमें उन सिविल सोसाइटी को जो माइनॉरिटी स्पेशली विमेंस के लिए काम कर रहे हैं उनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। दे शुड नो हाउ टू मेक द प्रपोजल्स और दे शुड नो व्हाट दे आर आस्किंग द गवर्नमेंट, क्योंकि ये भी शिकायत रहती है कि जैसे कस्तूरबा बालिका विद्यालय एक प्रोजेक्ट आया जिसमें यही जो डिस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि बच्चियां ज़्यादा नहीं जा पाती हैं और डिस्टेंस काफ़ी है, फिर उसमें हर एक माँ बाप को एक इनसिक्योरिटी रहती है, अगर हम एक हॉस्टल का स्कूल रखें उसमें हमारा अपना माहौल हो जो भी रहता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी फॉरवर्ड नहीं आए। फिर ये भी प्रपोजल हमने सोचा है कि अगर आप लोग ऐसा प्रपोजल दें जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से किया जा सकता है, हमने ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी देखे जहाँ पे वो लोग कह रहे हैं मैडम हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया लेकिन हमारे पास ज़मीन भी है और हॉस्टल के लिए पैसा नहीं है। अगर वो कस्तूरबा बालिका विद्यालय को इस स्कीम के साथ वो लोगों को प्रपोजल मतलब प्रपोज करते गवर्नमेंट को, शायद 10, 20, 15, 30 तक अगर ऐसे प्रपोजल्स आते मतलब फ्रॉम द सिविल सोसाइटीज कि शायद वो चीज़ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पॉलिसी में थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते। लेकिन यही है कि खाली अभी हमारी बहन कह रही थी कि हमें इश्यूज और पे बात नहीं करनी है, वी हैव टू टॉक सॉल्यूशंस की बहुत हुआ सचर कमेटी क्या 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 फाइंडिंग आया और हमारी क्या हालत है, द टाइम हैज़ गॉन नाउ वी शुड कम अप विद द सॉल्यूशन, और उसमें हमारे सिविल सोसाइटी इतनी प्रोफेशनल होनी चाहिए दे शुड नो व्हाट दे आर आस्किंग टू द गवर्नमेंट। सो अगर ये है कि हमारा जो बजट आमतौर गवर्नमेंट से हम इसी दौरान एक एजुकेशन की सेक्रेटरी से मिले जो शी वॉज कंसर्न टू लिटरेसी अंशु वैश मैडम से, तो उन्होंने कहा देखो मैडम हमने ये बनाया और आपके मेंबर्स भी उसमें रखें लेकिन देर इज़ नॉट अ सिंगल गर्ल जो कि एनरोल है ऐसे कस्तूरबा बालिके विद्यालय जो उन। फिर हम राजस्थान के एक जगह गए यहाँ पे जोधपुर में वहाँ पे लोगों ने कहा कि हमें सरकार तो इस स्कीम के लिए कह रही है कि आप लोग कस्तूरबा बालिका विद्यालय हम रेंट पे बिल्डिंग लेंगे, लेकिन नहीं वो लोग माँ बाप उनको भेजने के लिए नहीं तैयार है अगर वो 100% को फ्री देते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी रिप्यूटेड है जिसके माध्यम से अब लड़कियों को वो तालीम के लिए भेज रहे हैं, अगर उनमें ये फैसिलिटी दिया जाए बिकॉज दे ट्रस्ट देम, उनको लग रहा है कि हमारी बेटी यहाँ पे एक सेफ है, एक कल्चर से इंटैक्ट रहेगी, एक रिलीजन से इंटैक्ट रहेगी, सो इसके लिए अगर हम लोगों में कुछ लोग आगे आए हमने बताया आप प्रपोजल बना के गवर्नमेंट को भेज दो, दिस इज़ द नीड। सो ये हमें कमी दिखी कि जितने भी प्रपोजल्स अप टू मार्क एक ऐसा इम्प्रेसिव प्रपोजल नहीं आता है फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, ये भी एक चीज़ हमने देखी। जबकि इतना हमने देखा कि कहा जाता है कि मुसलमान बहुत बैकवर्ड है तालीम के लिहाज से, मगर लेकिन मैं इतनी फाइंडिंग कह सकती हूँ कुछ एरियाज़ को छोड़ के, जैसे बंगाल है, झारखंड है, बिहार इज़ ऑल्सो इनक्रेजिंग, पीपल आर डूइंग वेरी नाइस जॉब, तो वहाँ पर भी काम कर रहे हैं कि अपना पैसा लगा के, दे आर नॉट गेटिंग ए सिंगल पैनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, इतने मोटिवेटेड है वो अरबों रुपया खर्च करके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कायम करते हैं, वाई नॉट दे विल आस्क द गवर्नमेंट फॉर द फर्दर असिस्टेंस विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनर मोड, उसमें भी हम कर सकते हैं।
तो इसी तरीके से कुछ लड़कियां हैं जैसे देहात से, वो लोग आगे फर्दर एजुकेशन के लिए नहीं जाते हैं बिकॉज उनको अगर पीएचडी करना है कुछ, मतलब बहुत ही रेयर हमने देखा गुर्बत है उनके पास, लेकिन दे आर नॉट नोइंग कि देयर इज़ मौलाना आज़ाद फेलोशिप स्कीम जो एमफिल पीएचडी के लिए लड़कियों के लिए स्कीम है। तो ये भी पता चला हमें गवर्नमेंट से कि फ्रॉम नर्सरी टिल पीएचडी देयर इज़ अ स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द मुस्लिम वीमेन्स, उनके लिए आप जो पढ़ सकता है वो लोग बस दे शुड नो कि कैसे एप्लीकेशन देना है और कैसे उसको फ्लोट करना है। अगरचे हमने ये भी देखा देयर इज़ अ बैरियर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी चीज़ के लिए पैसा दे रहा है और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट उसको डाइवर्ट कर रहा है, स्टेट के अपने इंटरेस्ट होते हैं, मगर अगर आपको पॉलिसी पता है कि यूनियन बजट में क्या दिया गया है और आपको बाय द आरटीआई, हमारे पास एक बहुत बढ़िया हथियार है, हम आरटीआई लगा के ये भी, मतलब अगर हम वाकई एजुकेटेड यूथ है, वी वांट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिविल सोसाइटीज़, वी वांट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कम्युनिटी, तो इसके लिए हमें उन टूल्स को इख्तियार करना चाहिए जो टूल हमें थोड़ा सा आगे बढ़ा सके।